गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर केपी ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री, दैट इज द मुगल एम्पायर। एम्पायर मीन्स ए लार्ज किंगडम। एम्पायर मीन्स ए लार्ज किंगडम रूल्ड बाय ए किंग। मुगल एम्पायर। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट मुगल एम्पायर, वी विल डिस्कस द पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस इन इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 16th सेंचुरी। द पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया ड्यूरिंग अर्ली 16th सेंचुरी वर नॉट वेरी स्टेबल। द कंडीशंस वर वेरी कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। बेटा अर्ली 16th सेंचुरी के दौरान हमारे देश में लोधी डायनेस्टी का, दिल्ली सल्तनत पीरियड के दौरान लोधी डायनेस्टी का रूल था और इब्राहिम लोधी रूलर थे। उनके रूलिंग पीरियड के दौरान यहां पर जो पॉलिटिकल सिचुएशंस थी वो बहुत स्टेबल नहीं थी, वो बहुत फेवरेबल नहीं थी किंगडम के लिए। जो नोबल्स थे, अफगान नोबल्स थे, दे वर रिवोल्टिंग अगेंस्ट द रूलर, इट मीन्स इब्राहिम लोधी। वो इब्राहिम लोधी के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इब्राहिम लोधी ट्राइड टू सुप्रेस और कर्ब दीज रिवोल्टिंग वॉइस ऑफ द नोबल्स, बट ही डिडंट सक्सीड इन दिस सिचुएशन। द अंकल एंड गवर्नर अंडर इब्राहिम लोधी दौलत खान लोधी इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। बाबर हु वाज ए रूलर ऑफ सेंट्रल एशिया इन्वेडेड इंडिया एंड डिफीटेड एंड किल्ड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। ही फाउंडेड मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। बाबर ने दौलत खान लोधी और राजपूत रूलर्स के इनविटेशन पर इंडिया पर अटैक किया और इब्राहिम लोधी को डिफीट किया और उसको किल्ड किया। और इसके बाद बाबर ने हमारे देश में मुगल डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट की। मुगल्स ऑन देयर मदर साइड देवर डिसेंडेंट ऑफ मंगोल वॉरियर गेंगिस खान एंड ऑन देयर फादर साइड देवर सक्सेसर ऑफ तिमूर हु वॉज ए रूलर ऑफ ए ग्रेट एम्पायर इन प्रेजेंट डे ईरान, इराक एंड अदर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। बेटा जो मुगल्स थे वो उनकी जो मदर थी उसकी साइड से तो वो मंगोल जो वॉरियर था गेंगिस खान उसके डिसेंडेंट थे। उनके ये कह सकते हैं कि भी उनकी जो डायनेस्टी थी उनसे ये बिलोंग करते थे, मंगोल से, मंगोल ट्राइब। ये ट्राइबल पीपल थे जो कि सेंट्रल एशिया में बहुत बड़े वॉरियर थे और बहुत बड़े एम्पायर के रूलर भी थे, तो ये इनसे बिलोंग करते थे।
क्योंकि जो उनकी मां थी मंगोल्स की, जो वो मंगोल वॉरियर से बिलोंग करती थी, लेकिन जो उनके फादर थे, जो उनके फोर फादर ये कह सकते हैं तिमूर, वो सेंट्रल एशिया में, आजकल जो ईरान इराक और अदर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया है उनका, वहां पर उनका बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत बड़े बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग पावरफुल रूलर था उसके, ये उस एम्पायर के, उस लार्ज एम्पायर का ये रूलर थे तिमूर। ये जो उनके मुगल्स के जो फादर हैं वो इनसे तिमूर से बिलोंग करते थे। तो दो इनके बिलोंगिंगनेस इनकी देखी जा सकती है। लेकिन जैसे जो मंगोल से इनकी बिलोंगिंगनेस थी, सो इंग्लिश पीपल कॉल्ड देम या मिस प्रोनाउंस देम मुगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कनेक्शन विद मंगोल। दे मिस प्रोनाउंस मतलब उन्होंने वो गलत उच्चारण करते थे मंगोल का, और इनको उन्होंने मुगल बोलना शुरू कर दिया। 16th सेंचुरी के दौरान जो हमारे देश की कल्चर थी वो इंटरमिंगल थी बेटा, उसमें जो मुस्लिम रूलर थे और जो हिंदू कल्चर थी वो आपस में मिक्स हो चुकी थी, और एक कॉम्पोजिट कल्चर, एक मिश्रित जो कल्चर थी वो डेवलप हो चुकी थी। इस दौरान जो पीपल थे उन्होंने भी इस जो चेंज आ रहा था इस कल्चर में उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बाबर। बाबर वाज ए रूलर ऑफ ए प्रोविंस इन सेंट्रल एशिया नेम्ड एज फरगना।